अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज हम आए हुए हैं बहरिया के हिल टॉप पे, यानी कि बहरिया का जो मरी पॉइंट कहलाता है वहाँ पर। बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, अमेजिंग जिसे कहेंगे ना हम। मैं आपको भी दिखाती हूँ, देख के चलते हैं। देखिए, और ढलता हुआ सूरज क्या मंजर है यहाँ पर। कोई 14 अगस्त हो, कुछ बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। कहाँ हूँ? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह वाओ, यस यस, यहाँ आगे नहीं जाना, कांटे चुभ जाएंगे। ये देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, यहाँ से आपको दिखाते हैं क्या सारे में। इसको टच नहीं कर लेना बेटा, ये कांटे लगे हैं। डॉगी देखा है मैंने। व्यू देखें आप व्यूअर्स, व्यू चेक करें, क्या हसीन नज़ारा है। ये मेरे ख्याल में 10B है 10A है ये नीचे, मेरे ख्याल में 10B है ये नीचे, 10B है। और ये वाले जो सामने आपको विलाज नज़र आए, ये 11A के हैं और 10A उस साइड पर है। जनाब, इतनी कोई अच्छी हवा आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, और क्या व्यू है। सारी मैं आपकी ले ही नहीं रही, मैं तो व्यू की पिक्चर ले रही हूँ। और ढलता हुआ सूरज आप चेक करें ज़रा, ग़ुरूब आफ्ताब, माय गॉड, मैं तो फैन हो गई यहाँ की आके। बहुत मज़े के, अब जब भी BTK आए इस पॉइंट पे ज़रूर आए। सही इसको कहा हुआ है कि ये BTK का मरी पॉइंट है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी आप लोगों को। सारिम काम है यार? यस हाँ, बस एक यहाँ पे है फाल्ट, जो यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। और सिबल को आती है, सुसु आ गया है, और मेरे ख्याल में सिबल हमें ज़्यादा देर अभी यहाँ टिकने नहीं देगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ चार्ज होती है? आप सिबल ने हम लोगों को जो है वो ज़्यादा देर टिकने ही नहीं दिया, बच्चों के साथ ये बहुत इशू। अभी हमने दूसरी साइड पे जाना था लेकिन नहीं जा पाए। चले खैर, आज ये एरिया दिखाया आपको, नेक्स्ट टाइम हम फिर उधर चलेंगे। वो देखे सामने आपको हिल टॉप लिखा हुआ भी दिख रहा है, मैं आपको करीब से करके दिखाऊं। बहुत ही अमेजिंग सूथिंग जिसे कहते हैं ना, वो मौसम हो रहा है, बहुत मज़े का। चलिए जी, चलते हैं, फिर आएंगे आप लोगों के साथ यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए। बस जी, अभी जा रहे हैं। बड़ा अच्छा व्यू, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा जाने को, मुझे यहीं छोड़ जाओ, आप लोग चले जाओ, मैं वीडियो बनाती रहूं। नहीं, क्यों नहीं। तो जनाब, अभी हम लोग जा रहे हैं और ये जितने विलास नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे 11A के विलास हैं, अच्छे विलास हैं। ये भी 4-4 बेडरूम है शायद, प्रीसेंट 11A। हमारा पूरा बहरिया ही बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह से। जिस भी प्रीसेंट में आप चले जाएं, हर प्रीसेंट की अपनी इंफरादियत है, अपनी मुनफरियत है, अलग अंदाज आपको मिलेगा विलास का, अपार्टमेंट्स का, लाइफस्टाइल का, बड़ा ज़बरदस्त पुरसकून। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं बहरिया में हमारा दिल नहीं लगता, हमें बोरिंग लगता है, तो मैं तो नहीं कहूँगी कि सुकून है। हमें तो बहुत प्यार है अपने बहरिया से और हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा सा और प्यारा सा, साफ़ सुथरा सा बहरिया। वैसे भी इंसान जहाँ रहता है, जिस जगह पे, उसे उनसियत होती है, प्यार होता है। और अब ये वाला जो है ये अली ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, ये अली ब्लॉक है, प्रीसेंट 12। और इसके इस साइड पे, अपोजिट साइड पे जो है वो बहरिया हाइट्स हैं। यस, बहरिया हाइट्स, ये जो है 125 स्क्वायर यार्ड के जो है विलाज है, और इनका भी अपना ही स्टाइल है।
ये बिल्कुल डिफरेंट है 11A से, क्योंकि 11A में 4 बेडरूम है। इसमें भी आप जो है वो एक बेडरूम नीचे और 4 बेडरूम ही आप इसे बना सकते हो। कुछ के 2 बेडरूम्स हैं ऊपर, कुछ के 3 हैं, तो जिनके 3 हैं वो 4 हो जाते हैं। आज दोपहर में बहुत गर्मी थी, बड़ा हॉट और सनी डे था आज। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था स्टिल अभी तक, अब कुछ बेहतर हुआ है। मेरी तबीयत बहुत डाउन थी आज। मैंने ब्रोफेन के आके 2 चम्मच पिए, उसके बाद फिर अभी घर से निकलते हुए 2 पिए, मतलब 4 चम्मच में पी के आई हूँ। मुझ पर अल्लाह खैर करे, मेरा सर लिटरली फट रहा था। लेकिन खुशी ये है कि कल ऑफ है, कल की छुट्टी है, तो बस जी उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। जनाब तो हम यहाँ पे स्वाद पे आए हैं कुल्फ़ी खाने के लिए, और यहाँ की कुल्फ़ी बहुत मज़ेदार है। चलो तो जनाब, इतनी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और आप जब भी बहरिया आएंगे तो हिल टॉप देखने ज़रूर आएंगे। तो मेरी तबीयत जो है वो बहुत डाउन हो गई है, आज छुट्टी थी, सोचा था बहुत सारे काम जो है वो कर लूँगी, लेकिन रात ही में ही मेरी आईज़ में जो था वो ख़ारिश होना शुरू हो गई थी। तो मैं सुबह उठी हूँ तो मेरी आँख जो वो सूजी हुई है, बहुत बैडली रेडनेस हो रही है, वही जो एडिनो वायरस फैला हुआ है उसने अटैक कर दिया है। क्योंकि पहले सिबल को हुआ, सिबल से फिर सारिम को हुआ, सारिम को माइल्ड सा था, फिर मेरे हस्बैंड को हुआ, और अब मुझे जो है वो हो गया है। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत सीवियर टाइप का, मुझे भी जो है ना, तो पहले एक में होता है फिर दूसरी आई में हो जाता है। और इतना पेन है आँख में और बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है और आँख खुली नहीं रही, मतलब तो चुभन हो रही है बहुत अजीब सी, और साथ में ऐसा लग रहा है जैसे थ्रॉट इन्फेक्शन और फीवर भी हो रहा है। तो दुआ कीजिएगा, और कराची में स्पेशली ये फैला हुआ है बहुत सारा, जो लोग भी कराची में रह रहे हैं प्लीज़ वो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, हैंड अपने बाबा वॉश करें, आप कहीं भी आएँ जाएँ। और एक को हो जाए अगर घर में तो फिर सबको लग जाता है, देखने से नहीं लगता लेकिन टच करने से। अब जैसे मैं इन लोगों को आई ड्रॉप डाल रही थी ना सबको, तो मुझे लगता है कि इनके हाथ वात आई ड्रॉप पे लगे या किस तरह से, क्योंकि बाकी तो मैं बहुत ख्याल रख रही थी हर चीज़ का, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है ना कि वो आई ड्रॉप से जो है वो मेरे हाथ टच हुए हैं और वो मेरी आईज़ पे शायद लगे हैं, तो मैंने भी कैच कर लिया। तो बहुत दुआएं कीजिएगा, चलती हूँ, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।